चलिए आगे बढ़ते हैं और भरतपुर के नदबई से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, स्कूल जा रही दो छात्राओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आई छात्राएं, सरकारी बालिका छात्रावास में रह रही दोनों छात्राएं, छात्रावास से स्कूल जा रही थी दोनों छात्राएं। नदबई के हलेना रोड पर स्थित है ये छात्रावास। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और बेहद दुखद खबर इस वक्त आपके सामने, जो कि भरतपुर के नदबई से सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्कूल जा रही दो छात्राओं की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। पटरी पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में दोनों छात्राएं आई और उसके बाद उन दोनों की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि जो दोनों छात्राएं हैं, सरकारी बालिका छात्रावास में रह रही थी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए अरुषि, मैं बताना चाहूंगा, ये नदबई का मामला बताया जा रहा है। गर्ल्स स्कूल है, वहाँ छात्रा पढ़ने के लिए जा रही थी। एक सरकारी छात्रावास है हलेना रोड पे, वहाँ से वो उनको ट्रैक जो है रेलवे ट्रैक वो पार करना पड़ता है। बताया जा रहा है जो आसपास के लोग हैं, जो मौके पर लोग थे, उनके द्वारा बताया गया है कि जो ट्रैक पार करते समय पूरा हादसा हुआ था। दोनों जो छात्राएं थी वो पढ़ने के लिए जा रही थी। हालांकि जो कमी रही उसमें भी ये सामने आया है कि वहाँ जो ट्रैक्टर बजरी के खड़े रहते हैं उनसे ट्रेन नहीं देख पा रही थी, इसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि अभी जो जीआरपी पुलिस है वो भी मौके पर नहीं पहुंची है, नदबई थाना पुलिस है वो भी मौके पर नहीं पहुंची है, लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा है और लोगों में बड़ा आक्रोश भी है। निश्चित तौर पर रवि, आक्रोश तो हो गई, तो ऐसे में जानकारी मिल पाई कि जो छात्राएं हैं वो कहाँ की है बेसिकली? देखिए अभी तक जो जो अधिकारी हैं, छात्रावास के जो अधीक्षक इंचार्ज हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो लड़की हैं, जो मृतक हैं, उनकी अभी शनाख्त की जा रही है। हालांकि उनके नाम आ गए हैं, लेकिन जो कौन से गांव की रहने वाली है उनके वो अभी तय नहीं हो पाई है, अभी वो दिखवाया जा रहा है। रवि, इनकी उम्र के बारे में कुछ जानकारी? देखिए उम्र की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि 15 से 16 साल के बीच की लड़कियां हैं, दो बच्चियां हैं, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। लेकिन ये जो हादसा हुआ बड़ा दुखद हादसा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं की जो कमी रही है प्रशासन की रही है, क्योंकि जो अवैध बजरी के टेस्ट खड़े होते हैं वहां से जो ट्रेन गुजरती है वो देख नहीं पाते, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। आरोपी जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद दुखद खबर इस वक्त आपके सामने, स्कूल जा रही दो छात्राओं की ट्रेन की चपेट में।